वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने परिवहन विभाग के कार्यों की समीक्षा की। गोरखपुर के NIC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलाधिकारी केविजन पांडियन, संभागीय परिवहन अधिकारी अनिता सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन श्यामलाल, प्रधान सहायक संजय सिन्हा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा कि परिवहन विभाग की समस्त सेवाएँ अब ऑनलाइन कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि संभागीय परिवहन कार्यालयों में वाहन की भौतिक पत्रावली के प्रेषण की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए सभी पत्रावलियों को डीलर के पास ही सुरक्षित रखने की अनुमति प्रदान की गई है तथा डीलर पॉइंट द्वारा अपलोड किए गए डिजिटल साइन युक्त डॉक्यूमेंट के आधार पर पंजीकरण की कार्रवाई की जाए तथा वाहन की पंजीयन पुस्तिका डीलर के पास सुरक्षित रखी जाए। अपर मुख्य सचिव ने नंबर प्लेटों के हेर फेर की जाँच के भी निर्देश दिए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन श्याम लाल ने कहा, और उसके बाद फिर हम बैठकर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ में इंस्ट्रक्शंस गृह विभाग से भी पुलिस के लोगों को दे रहे हैं। वर्तमान इंस्ट्रक्शंस माइनिंग के मटेरियल के लिए है कि पुलिस भाग उनको चेक नहीं करेगा, ये आदेश है। और माइंस के अधिकारी जब तक नहीं होंगे माइनिंग डिपार्टमेंट के, तब तक उनको चेक करने का उनको अधिकार नहीं है। लेकिन मेरे पास पुलिस की भी शिकायतें कई आई हैं और कई जगह ये शिकायत भी आई है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से भी जो है वहाँ पर अनावश्यक लोगों को जो है रोका जा रहा है और उसमें जो है नॉन ट्रांसपेरेंट कार की भी शिकायत आ रही है। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूँगा कि जहाँ पर FIR दर्ज करने की बात आ रही है, अभी हाल फिलहाल आगरा में बहुत सारी गाड़ियों पर FIR दर्ज हुई है और अगर पुलिस विभाग में FIR के बाद कार्रवाई नहीं हो रही है तो ये विवरण भी अगर आप लोग हमको उपलब्ध कराएंगे तो उसमें FIR के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई करने का भी काम हम लोग सुनिश्चित करेंगे। एक चीज मैं चूंकि आपके संज्ञान में जरूर डालना चाहूंगा, अभी 3 दिन पहले आगरा एक्सप्रेसवे पर कैमरा पर एक आदमी अपनी नंबर प्लेट बदलते हुए पकड़ा गया और वहां के SP ने उनको फिर उनके सपोर्ट कर दिया गया। वो 2 नंबर प्लेट उस गाड़ी में रखे हुए था। तो ये जो आपके नंबर प्लेट और फर्जी नंबर प्लेट की मिसयूज का जो मामला है, इस बात को भी देखने की आवश्यकता होगी। ये संभवतः उन्नाव का मामला है या कन्नौज का मामला है जहाँ नंबर प्लेट बदलते हुए कैमरा में कैप्चर हो गया एक्सप्रेसवे पर। तो ये नंबर प्लेट का भी जो सिस्टम है ये भी देखने की आवश्यकता पड़ेगी। एक चीज हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि जितने RTO और ERTO ऑफिसेस हैं वहाँ पर बिजनेस सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की रिक्वेस्ट पर जो उनसे रिक्वेस्ट करते हुए लाउड स्पीकर भी लगाए गए हैं जिसमें कोविड के संदर्भ में और बाकी चीजों पर भी विशेष रूप से प्रचार की भी आवश्यकता बताई गई, उस चीज को देखने की भी आवश्यकता होगी। न जाने कितने सारे ERTOs के चेक में कार्य जो हो रहा है वो नॉन ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म से हो रहा है, उस पर जो है हाईएस्ट लेवल पर हमें कहा जाता है कि इस पर कार्रवाई की जाए तो कोई भी अधिकारी अनावश्यक उसमें जो है उसका नाम आए, लेकिन यदि कोई अधिकारी गड़बड़ कर रहा होगा तो कार्रवाई बहुत सख्त से सख्त होगी। ये कोशिश कर रहा है कि वो लोगों का सेवाओं में जितनी सेवाएं हम दे रहे हैं लगभग सभी ऑनलाइन की जा चुकी है, सभी को स्ट्रीमलाइन किया गया है। हमने 25 सेवाओं को दर्पण पोर्टल पे भी ऑनलाइन कर रखा है और बहुत सारी सेवाओं को हम लोगों ने जनहित गारंटी अधिनियम में भी ले रखा है। अभी 2 दिन पहले शासन आदेश जारी किया गया है कि जो फिजिकल वेरिफिकेशन जो हमारी होती थी फिजिकली आती थी डीलर से RTO ऑफिस या ERTO ऑफिस में, उसे भी खत्म कर दिया गया है, उसकी आने की आवश्यकता भी नहीं है। परिवहन विभाग की सभी सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं। पहले से ही 25 सेवाएं ऑनलाइन थी, बाद में अन्य सेवाएं भी जितने अवशेष बचे तो सभी ऑनलाइन कर दी गए हैं। इसके तहत अभी कल जो है हमारे यहाँ एक नया निर्देश प्राप्त हुआ है कि डीलर के यहाँ जो भी क्रेता वाहन गाड़ी खरीदता था तो डीलर द्वारा वो पत्रावली मेरे कार्यालय में जमा होने के बाद उसका वेरिफिकेशन होता तब उसको पंजीयन चिन्ह आवंटित किया जाता था। अब नई व्यवस्था के अंतर्गत यह हुआ है कि कोई भी पत्रावली कार्यालय में नहीं आएगी, सारे डीलर जो उस पत्रावली को अपने पास ही रखेंगे, सारा पेपर कंप्यूटर में अपलोड करेंगे, मेरे साइट पर दिखाई देगा और यहीं से हम उसका अप्रूवल कर देंगे और पंजीयन चिन्ह उसको मिल जाएगा और वहीं से अपना प्रिंट आउट निकाल लेगा। क्या ये सर ऑनलाइन दिखेगा? हाँ, सब एकदम ऑनलाइन। तो
और ये व्यवस्था हम सारे डीलरों की आज बैठक बुलवाए हुए थे, उनको निर्देशित भी कर दिया गया है कि सोमवार के दिन से कोई भी पत्रावली हमारे कार्यालय में नहीं भेजेगा कोई भी डीलर, वो सीधे ऑनलाइन ही केवल स्वीकार किए जाए आवेदन पत्र।